बाग 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को संविधान और लोकतंत्र की हत्या बताया है और इसी के मद्देनजर आज पीएम आवास का घेराव करने का ऐलान भी आम आदमी पार्टी नेताओं ने किया है। इस वक्त हम पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर मौजूद है जहां पर आम आदमी पार्टी ने बताया कि उनके कार्यकर्ता पहुंचकर रुख करेंगे प्रधानमंत्री आवास की तरफ। यहां पर आप देखें धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी कि किसी भी तरह की भीड़ को यहाँ पर जुटने नहीं दिया जाएगा। और अब हम आपको तस्वीर दिखाते हैं मेट्रो स्टेशन की। यहाँ पे जितने भी कामकाजी लोग जा रहे हैं उनके बकायदा आईडी कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। ये देखिए पूछताछ कल सिलसिला यहाँ पर जारी है। इसका मकसद ये है कि किसी भी रूप में प्रदर्शनकारी पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर एंटर ना कर पाएं, क्योंकि होली की छुट्टियां खत्म हुई हैं, कामकाज का आज दिन है। आसपास जो दफ्तर मौजूद हैं वहां भारी संख्या में काम करने वाले लोग जा रहे हैं। अब देखिए यहां पर किस तरह से पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है, तस्वीर देखते रहिए आप। यहाँ पे ना सिर्फ पुलिस फोर्स महिला और पुरुष जवान यहाँ पे आपको नजर आएंगे बल्कि यहाँ पे सीआरपी फोर्स की तैनाती भी की गई है। एक अहम बात जो मैं आपको बता दूं कि पटेल चौक का गेट नंबर 3 पूरी तरह से अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है और उसका मकसद ये है कि प्रदर्शनकारी ज़्यादा संख्या में गेट के जरिए बाहर ना निकल सके। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये निर्देश दिए जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के जवानों को। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन का सिलसिला कर रही है, इससे पहले आईटीओ पर भी भारी संख्या में पुलिस बल और फोर्स तैनात की गई थी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया था और आज भी आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि वो प्रदर्शन करें, खास तौर से मार्च करने की एक तरह की तैयारी है। आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से ही बाहर निकलेंगे और पीएम आवास की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे।